सलामकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर अर्जुन बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अच्छा सर, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। ये आपसे पता करना था, मैंने एक मुर्गा रखा हुआ है, ठीक है? जी, तो उसने कल अभी उसने वो जो दाना खाया, अभी जब मैं उठा हूँ सुबह तो उसको मैंने देखा तो उसका पोटा जो है ना वो मतलब काफी सख्त हुआ हुआ था, और उसने अच्छा सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाया उसने। ठीक। तो इसके लिए कुछ काइंडली कोई ट्रीटमेंट आप बता उसका सकते हैं? ये है कि पोटा साफ करा दें। साफ इस तरह होगा कि एक चम्मच लें सिरका और एक चम्मच चीनी ले लें, वो मिक्स करके इसको दें, ठीक है? नहीं नहीं अभी एक दफा देंगे, इंशाल्लाह ताला पोटा साफ हो जाएगा, ठीक है? और इसकी बाद में कोई हम लोग कहते हैं डी वर्मिंग, वो एक दवाई मिलती है एल्बेंडाजोल, साफ करने के लिए? बिल्कुल। जेंटल भी होती है ना, जेंटल, ये बच्चों के लिए जो देते हैं, बिल्कुल वही फार्मूलेशन होती है, लेकिन ये एक साशे में मिलता है परिंदों के लिए और बर्ड्स की जितने भी हैं इनके लिए। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको सिरका और चीनी मिला के देंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला इसका पोटा साफ हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये जो आपने बताई है एल्बेंडाजोल जो है, ये इसको इसकी एक गोली देनी है या जो दो गोलियां इसकी? लिक्विड नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको। हाँ, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। हो सकता है सैश और साशे भी मिलता है, साशे मिलेगा, वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो 1 लीटर पानी में मिक्स करके तो दे देते हैं। सारे जितने भी और भी हैं ना आपके पास, सील मुर्गे या दूसरे, या जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं, वो उनके लिए ये सारा दिन वो पीते रहते हैं और शाम को वो उंडेल देते हैं और फिर फ्रेश पानी इनको दे देते हैं। सही है, सही है। उससे ये होता है कि उनके पेट में जितने भी वो होते हैं ना किरम, वो सारे खत्म हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ठीक करने वाला है, ठीक है? तो ये है। और लेकिन ये रोजाना नहीं देना, ये एल्बेंडाजोल तो 3 से 4 महीने के बाद एक दफा देना होता है, ठीक है? ओके। तो पिंडी से, कहां से? पिंडी से बोल रहे हैं? पिंडी में कहां, कौन सी जगह है? अच्छा, माशाल्लाह। नाम क्या बताया आपने अपना? रिजवान, ठीक है, माशाल्लाह, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, पोटा बिल्कुल उसका साफ हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर, ओके। थैंक और इसको लहसुन वगैरह भी वो छील के ना वो खिलाते रहे, ठीक है? अच्छा, ठीक हाँ, है सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम एक हदीस मुबारक पढ़ कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उससे लड़ाई करना कुफ्र है। मुत्तफ़िक अलैह। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी मान अल्लाह।